अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। भिगो लो अगर तुम्हारा पीर बोलता है तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुसल्ले को शराब में भिगोना ये तो हराम है, लेकिन तुम्हारा पीर कह रहा है, वली कह रहा है ना, लिहाजा चुपचाप कर लो, टोको नहीं। क्यों? इसलिए कि वो तरीकत के राह का सालिक है, वो इस मंजिलों के रस्म और अच्छी तरह भिगो लो अगर तुम्हारा पीर बोलता है तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुसल्ले को शराब में भिगोना ये तो हराम है, लेकिन तुम्हारा पीर कह रहा है, वली कह रहा है ना, लिहाजा चुपचाप कर लो, टोको नहीं। क्यों? इसलिए कि वो तरीकत के राह का सालिक है, वो इस मंजिलों के रस्म राह से अच्छी तरह निकलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके निकलने को नस्ल से ताबीर किया है, इतनी तेजी से निकलेंगे जैसे मशके से पानी निकल रहा है। कबल अज वक्त कुछ कहना इनके बारे में सही नहीं है, एक गेस वर्क होगा, ये अटकल बात होगी। ये जब दुनिया में आएंगे तो समझ में आ जाएगा ये कौन है। ज्यादा से ज्यादा इतना कहा जा सकता है कि हो सकता है कि वो याजूज माजूज तो खत्म हो गए मुरूर अय्याम के साथ साथ, जमाने के गुजरने के साथ साथ। अब याजूज माजूज से मुराद वो दो कौमें होंगी जो जुल्म, बर्बरियत, वहशत में याजूज और माजूज जैसी तबीयतें रखती होंगी। बाज़ लोगों ने ये कहा है वो दुनिया का कोई मुल्क हो सकता है जो याजूज माजूज जैसी खतरनाक फितरत, वहशत और बर्बरियत के अंदर उन्हीं जैसे होंगे, ये मुराद हो सकते हैं। लेकिन यह एक गेस वर्क है, एक कयास है, कंजेक्चर। हकीकत का इल्म अल्लाह तबारक व तआला को। यह दीवार जो बनाई गई थी, ये जो सद बनाया गया था, 1000 साल तक रहा, गिर गया। उसके बाद सूरह मरियम शुरू होती है। जानते हैं एक हुरूफ मुक़त्तात का मजमुआ यूं जिक्र किया गया, काफ हा या ऐन सॉद। उसके बाद कहा जा रहा है जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला रहमत का लफ्ज ला रहा है जिक्र के फौरन बाद। क्या वजह है? नीज इस पूरे सूरह करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सिफत रहमान को नुमाया तौर पर जिक्र फरमाया। जहां देखो रहमान 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 रहमान। हम इसकी वजह पर, उसके रीजन पर अभी बहस करेंगे। पहले ये बता दें कि यहां हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की एक दुआ का तज़किरा है। तमन्ना ये थी कि मेरी इस बच्ची को, मरियम को, अगर तू बगैर मौसम के फल दे सकता है तो मेरी जवानी का मौसम गुजर चुका है, मुझे औलाद दे दे। और चुपके चुपके दुआ करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ का जिक्र फरमाते हुए कहा कि यह दुआ चुपके चुपके थी, धीरे धीरे करते थे। क्यों? इसलिए कि अगर जोर से करते तो लोग उन्हें तमस्खुर और मजाक का हदफ बना लेते, बुड्ढे को क्या सूझी है, कब्र में पैर लटकाए हुए और औलाद मांग रहा है। चुपके चुपके मांगते थे। और दूसरी वजह यह कि धीरे धीरे मांगना यह खुलूस की दलील है, इखलास पाया जाता है, बिलमुकाबिल उसके की दुआ जहरन की जाए। और इसमें कबूलियत के इम्कान ज्यादा रहते हैं, इसलिए कि बंदा धीरे धीरे चुपके चुपके अल्लाह से बात करता है। और अल्लाह बहरा नहीं है। साफ आया इन सौत जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। मेरे बंदे ज़करिया के ऊपर मेरा रहम हुआ जब उसने मुझसे चुपके दुआ मांगी। तो दुआ की पहली शर्त यह है कि चुपके मांगे आदमी। दूसरे कहने लगे काल रब्बी इन्नी वहनल आज़्मु मिन्नी वश्ताल रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। दो बातें और कहीं उन्होंने दुआ में। पहली शर्त दुआ के चुपके मांगो, चुपके उन्होंने मांगी दुआ। और दूसरे उन्होंने अपनी आजिजी अपनी दरमादगी का इजहार किया। अल्लाह मैं बहुत कमजोर हूं। उसके लिए क्या कहा है? अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे आदमी बुढ़ा होता जाता है तैसे तैसे आदमी की हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। एक तिब का मसला कि जब आदमी बुढ़ापे के मरहले में पहुंच जाए तो जरा चलने में फिरने में एहतियात बरते। क्यों? इसलिए कि इस मरहले में अगर हड्डी टूट गई तो जुड़ती नहीं है, और हड्डी अगर टूट गई तो वो जो थोड़ा बहुत चल फिर रहा है वो चलना फिरना भी बंद हो जाएगा। एहतियात बरते। काला रब्बी इन्नी वहनल आज़्मु मिन्नी, ऐ मेरे रब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। वश्ताल रासु शैबा, और मेरे बाल सफेद हो गए। यानी अपनी आजिजी अपनी दरमादगी अपनी कमजोरी का इजहार फरमाया। तो आदमी धीरे धीरे दुआ मांगे। दूसरी शर्त यह है कि बंदा बन जाए, आजिज बन जाए, छोटा बन जाए अल्लाह के नजदीक दुआ करते वक्त। और तीसरे वलमकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, अल्लाह ने उसके ऊपर जो नेमतें फरमाई हैं उन नेमतों का इजहार करे कि ऐ अल्लाह तुझसे मांग करके कभी मैं महरूम नहीं रहा। यानी अल्लाह की नेमतों का एतराफ करे। तो दुआ की पहली शर्त धीरे धीरे मांगे, दूसरी शर्त है अपनी आजिजी का इजहार करे, और तीसरे ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इकरार करे, उनका एतराफ करे। दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। उसके बाद जिक्र यह है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में मरियम के पास आए। हुजरे में थी, एक इंसान को देख करके हैरत ज़दा रहेंगी कि कमरा बंद है, यह आदमी आगे कैसे गया। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान, देखिए यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की उसी सिफ़त रहमानियत का जिक्र है। क़ालत रब्बी इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया, मुझे छूना नहीं, रहमान के लिए रहम का हवाला दिया, इस्तेताफ और इस्तिरहाम के लिए, रहम तलब करने के लिए। देखो कितनी इफ़्फ़त माफ थी। अगर उस हुजरे में वो गुनाह कर भी लेती तो कौन देखने वाला था, लेकिन उससे इल्तिजा कर रही है, इस्तिरहाम और इस्तेताफ के लिए अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमानियत का हवाला दे रही है कि अगर तू मुत्तकी है, तेरे अंदर तकवा है, तो मुझे छूना नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि मुत्तकी आदमी जो होता है वो ज़िना के करीब नहीं जाता, और जो ज़ानी है वो मुत्तकी नहीं हो सकता। इन कुन्त तक़िया, अगर तू मुत्तकी है तो मुझे छूना नहीं। कहा कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं फरिश्ता, अल्लाह की तरफ से आया हूं तुझे बेटा देने के लिए, तुझे बेटा देने के लिए अल्लाह की तरफ से। कहा कि मेरी शादी ही नहीं हुई, किसी इंसान ने मुझे छुआ ही नहीं, बेटा कैसे हो सकता है। कहा कि अल्लाह के लिए ये मामूली चीज है, अल्लाह के लिए बहुत मामूली है, ये बहुत आसान है उसके लिए। अलैहिन हामिला हो गई वो, उन्होंने फूंक मारा उनके गरीबान में, बहुत परेशान हुई। अंदाजा लगाइए, शादी नहीं हुई है और हमल ठहर गया और बच्चा भी हो गया। कह रहे मेरे माबूद अब मैं क्या करूं, मेरी शादी नहीं हुई, बच्चा हो गया, कौम क्या कहेगी। काश जमीन फटती और मैं उसके अंदर समा जाती। यह वही सूरह करीमा है कि जब जाफर तैयार रजाशी के दरबार में पढ़ रहे तो सारे के सारे किस्सीस, सारे रोहबान और सारे दरबारी सारों कतार रो रहे थे। यह वही सूरह है, सूरह मरियम। काश के या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। क्या औरत बोलती है, अल्लाह अकबर, मित्तु क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले मर जाती, व कुन्तु नसियम मनसिया, मेरा नाम और निशान न रहता। कितनी प्यारी बात है, अल्लाह अकबर। एक इफ़्फ़त माव औरत ही कह सकती। इससे पता चला कि औरत का सबसे बड़ा गहना, औरत का सबसे बड़ा जेवर उसकी इस्मत है। वो लुट जाए तो उसके पास कुछ नहीं रहता। वही दांव पर लग गया और उसके बारे में कह रहे हैं या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। हमारी माओं के लिए, बहनों के लिए हजरत मरियम की ज्यादा उसी के काबिल है, उसवा बनाने के लायक। या लैतनी मित्तु कब्ल हादा, काश इससे पहले मैं मर जाती। वह कुंतु नसीब मनसिया, नसीब मनसिया हो जाती। अल्लाह ने फरमाया आगे बढ़, ये जो खजूर का टुंड मुंड दरख्त दिख रहा है इसे हिला। कहा कि बारी ताला इसमें तो कुछ भी नहीं है। कहा कि हिला तो वहुज्जी इलैक बिजिज़ि नखला तुसाक़ित इलैक रुतबन जनिया, ताजा खजूरें गिरने लगी। इशारा इस बात की तरफ है, टुंड मुंड न पत्ते हैं, न हरियाली है उस दरख्त के ऊपर, सूखा दरख्त है, उसको हिलाने पर खजूरें गिरने लगी। दो बातें मालूम हुई, एक तो ये कि वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला खजूर तबक में ला करके रखवा देता है, किसी फरिश्ते के जरिए खा लेती। ये क्यों कहा गया कि दरख्त जाकर के हिलाओ? इंसान कितना ही कमजोर क्यों ना, उसे तदबीर करना जरूरी है रोजी के लिए। हिलाओ, बकिया अब अल्लाह का काम है, तुम्हारा काम है तदबीर करना। अब तदबीर को कारगर बनाना, उसका नतीजा देना, उसका रिजल्ट देना, यह बारी ताला के हाथ में। तुम्हारा काम सिर्फ तदबीर का करना है, तुम तदबीर के मुकल्लफ हो। इतना तो करो, हिलाओ टुंड मुंड दरख्त को। अब टुंड मुंड दरख्त से ताजी खजूरें देना, गिराना, यह हमारा काम है। इशारा इस बात की तरफ भी कि जो जात सूखे खजूर के दरख्त से ताजे फल दे सकती है, वो बगैर बाप के औलाद नहीं दे सकती, सिर्फ औरत से। इसे बराते इस्तेहलाल कह लो बलागत की जबान में। नीज ये भी मालूम हुआ कि जच्चगी में जच्चा के लिए, औरत के लिए सबसे ज्यादा मुफीद खजूर है। तिब्बी मसला। उसके बाद आप देखेंगे, खाना हो गया, अब पानी की जरूरत है। अल्लाह ताला ने तहत के सरिया कहा कि तेरे नीचे मैं नहर जारी कर देता हूं। नहर जारी हो गई। पहले खाना था जो खजूर से हासिल हुआ, अब पानी के लिए नहर जारी फरमा दी। पहले खाने का तस्करा था, बाद में पानी का। उसके बाद जब खाने लगी तो वहां पहले पानी है, बाद में खाना है। ऐसा कैसे? पहले खाने का जिक्र किया, उसके बाद पानी का। उसके बाद जब खाने बैठी तो पहले पानी का जिक्र हुआ, बाद में खाने का। इंसानी फितरत की तरफ इशारा है कि आदमी जब भूखा होता है तो पहले खाना देखता है, बराबर, उसके बाद पानी तलाश करता है। और जब खाने बैठता है तो खाना पहले खाता है, पानी बाद में पीता है। कि पहले पानी पी लेता, बाद में खाना खाता है। तो इंसान की फितरत यह है कि पहले खाना तलाश करता है, बाद में पानी तलाश करता है। लेकिन जब खाना पानी दोनों मिल जाए तो पहले खाना खाता है, बाद में पानी पीता है। बच्चा लिए हुए कौम के पास आई, कौम कहने लगे, अरे ये क्या हो गया? या उख्त हारून मा काना अबूक इम्रा सवी व मा काना तुमुक बगिया। ए हारून की बहन, तेरा बाप तो बुरा आदमी नहीं था, तेरी मां जानिया नहीं थी, ये बगैर शादी के तुझे बच्चा कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि मैंने चुप रहने का रोजा रख लिया है। इससे पूछो, ये जो मेरी गोद में, इससे पूछो। हदीस पाक में है कि 4 बच्चों ने गहवारे ही के अंदर कलाम किया है। एक तो जुरैज राहिब का बच्चा, यानी उनके जमाने का बच्चा, जिसने गवाही दी थी कि जुरैज राहिब के ज़िना से मैं पैदा नहीं हुआ हूं, बल्कि मैं फला शेफर्ड, फला गदड़िए और फला चरवाहे का बेटा हूं उसने। और दूसरे गहवारे के अंदर कलाम करने वाले हजरत ईसा अलैहि सलाम, और तीसरे असहाबे उखदूद में से वो जो औरत थी कि एक गढ़ा खोद करके आग जलाई गई और सबको उसमें डाल दिया गया, सब जल करके मर गए। उसमें एक औरत भी थी बच्चा लिए हुए, वो झिझक रही थी कि मैं आग में कैसे कूदूं। बच्चे ने कहा, मां क्या देखती है, अल्लाह के लिए कूद जा, ये आग हमारे लिए गुल गुलजार बन जाएगी। वो बच्चा भी गहवारे के अंदर बोला। और तीसरे वो बच्चा कि उसके सामने से एक सवार गुजरा तो मां ने कहा कि अल्लाह, ये आन बान शान, ये शोहरत जो इस सवार को हासिल है, इसी सवार की तरह मेरे बच्चे को बना देना। बच्चे ने फौरन कहा, अल्लाह मुझे इस तरीके से ना बनाना। ये चार बच्चों ने गहवारे के अंदर कलाम किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है चुप रहने का। बच्चे से पूछो, बच्चा फौरन बोल पड़ा, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। देखो कोई ये ना समझ ले कि बगैर बाप के पैदा हुआ तो अल्लाह का बेटा हो गया। बगैर बाप के पैदा हुआ तो खरके आदत के तौर पर ही, लेकिन इसके बाद भी वो अल्लाह का बंदा है। यानी पहले इन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर लगने वाली इफ्तिरा, अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर लगने वाली तोहमत को जायल फरमाया कि मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। अगर लोग मुझे अल्लाह का बेटा कहने लगे तो यह शिर्क होगा। फौरन उन्होंने शिर्क की तरदीद की। इसका मतलब यह है कि शिर्क का सबसे बड़ा रद्द लफ्ज अब्द के अंदर मौजूद है। अगर आदमी अब्दियत को समझ जाए, या अब्दियत क्या है, तो वो मकाम माबूद को समझ जाएगा कि माबूद का मकाम क्या होता है। और उसके बाद कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। छोटे बच्चे ने गहवारे के अंदर जब कलाम किया तो ये इस बात की दलील थी कि ये है तो बगैर बाप का, लेकिन ज़िना से नहीं है। पहले अल्लाह के ऊपर लगने वाली तोहमत को उन्होंने जायल किया और फिर अपने मां के ऊपर लगने वाली तोहमत को जायल किया लफ्ज अब्द के जरिए। काला इन्नी अब्दुल्लाह। उसके बाद ये फरमाया आतानियल किताब, उसने मुझे किताब दी, यानी वो किताब देने वाला है, यानी मैं नबी बनाया जाने वाला हूं। वो जालनी नबी, या अल्लाह मुझे नबी बनाएगा। और उसके बाद फरमाया वस्सलामु अलैहि यौम उलिदतु व यौम अमूतु व यौम युबअसु हय्या। सलामती हो पैदाइश के वक्त, सलामती हो मौत के वक्त, सलामती हो उठाए जाने के वक्त मेरे ऊपर। इसलिए कि ये तीन जो मरहले होते बड़े सख्त होते। पैदा होते वक्त ये मुश्किल मरहला होता है इंसान के लिए, मरते वक्त ये मुश्किल मरहला होता है इंसान के लिए, उठाए जाने के वक्त ये मुश्किल मरहला होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन तीनों मराहिल के बारे में सलामती की दुआ ने लिए फरमाई। ईसाइयों के यहाँ एक अकीदा है, अकीदा कफ़ारा। अकीदा कफ़ारा का मतलब क्या है कि हजरत आदम के गुनाह करने की वजह से पूरी इंसानियत, आदम की पूरी औलाद गुनहगार हो गई। अब अगर अल्लाह इस गुनहगार बंदे को सजा दे तो उसके रहम के खिलाफ है, और अगर सजा ना दे तो अदल के खिलाफ है। बड़ी मुश्किल आन पड़ी। अगर गुनाह करने के बाद सजा देता है तो यह रहम के खिलाफ है, रहीम है तो सजा कैसे देगा, और अगर सजा ना दे तो उसके अदल के खिलाफ है, इंसाफ के खिलाफ है कि मुजरिम को सजा ना दी जाए। बड़ा मुश्किल मरहला सामने आ गया। ईसाइयों ने इस मसले को इस तरह हल किया कि अल्लाह ने अपने बेटे को नऊज़ुबिल्ला ईसा को भेजा और वो पूरी दुनिया के लोगों का गुनाह, पूरी इंसानियत का गुनाह अपने कंधे पर लेकर सलीब के ऊपर चढ़ गया। ये उन्होंने रहम और अदल को बरकरार रखने के लिए एक राह निकाली, और आज इस पर वो पूरी मजबूती के साथ कायम है। हालांकि सवाल यह है कि जज अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, मुजरिम कटहरे में खड़ा हुआ है, मुजरिम को सजा देने के बजाय जज अगर यह कहे कि मेरे बेटे को उसकी जगह फांसी दे दी जाए, सजा दे दी जाए, दुनिया का कोई जज ऐसा करेगा? कि चोरों और डाकुओं को सजा देने के बजाय बादशाह वक्त शहजादे को फांसी पर लटका दे। इससे दो बातें मालूम होंगी, एक तो बादशाह अहमक है, और दूसरे मुजरिम को छोड़ करके बेकसूर को सजा देना यह तो बिल्कुल अदल के खिलाफ है। तो सवाल अपनी जगह अब भी बाकी है कि अगर इंसानों के गुनाह करने पर इंसान मुजरिम बना तो सजा दूसरे को क्यों मिली? जिसने जुर्म किया था सजा उसको मिलनी चाहिए थी। यह क्या हुआ कि जुर्म कोई करे सजा कोई भुगते, यह तो अदल है ही नहीं। और इस्लाम ने जो तरीका निकाला है बहुत प्यारा, अल्लाह ने जो तरीका बताया है कि देखो गुनाह करोगे तो मेरा अदल मुक्तजी होगा, मेरे अदल का तकाजा है कि मैं तुम्हें सजा दूं, और अगर तुम गुनाह कर चुके तो अब अगर तौबा कर लेते हो तो मेरे रहम का तकाजा है मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये तरीका कितना सादा, जिसमें न तो कफारे की पेचीदगियां हैं ना और जहनी उलझन है। सीधा सा मसला है कि गुनाह करने पर अगर आदमी तौबा नहीं करता तो मेरे अदल का तकाजा है कि उसे सजा दिया जाए, और अगर गुनाह करने के बाद तौबा कर लेता तो मेरे रहम का तकाजा है कि उसे बख्श दिया जाए। यह हल कितना प्यारा है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह करीमा के अंदर अपनी सिफत रहमानियत को नुमाया तौर पर जिक्र फरमाया, बल्कि रहमत ही से इस सूरह करीमा का आगाज हो रहा है। काफ़ा या इंसात जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया। और हमें अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमत के ऊपर फख्र है। गुनहगारों को इस सिफत रहमत के ऊपर फख्र करना चाहिए, लेकिन नहीं, इतना भी फख्र नहीं कि मालिक यौमिद्दीन को भूला जाए, कि मालिक यौमिद्दीन भी तो है। बहरहाल इतना तो है कि वो मुंतकिम है, जब्बार है, कहार है, साथ रहीम है, लेकिन रहमत उसके कहर के ऊपर गालिब है। ये तो उसने अर्श के ऊपर लिख रखा है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, मुस्लिम शरीफ की क्या रिवायत है कि मैंने लिख करके अपने अर्श के ऊपर रख रखा है क्या कि मेरी रहमत मेरे गजब के ऊपर हावी है। अल्लाह की ये तमाम सिफतें सुन करके अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है ना, अल्लाह से प्यार बढ़ता है, और यही तो जिंदगी का हासिल है ईमान वालों की। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उसके बाद बास बादल मौत पर एक बड़ी प्यारी दलील ली जा रही है कि इंसान ये बोलता है वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या। इंसान ये बोलता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या दोबारा जिंदा करके निकाला जाऊंगा। वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या। जवाब तुर्की ब तुर्की, अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शय्या। क्या स्टाइल है बोलने की। सवाल जिस अंदाज में है जवाब भी उसी अंदाज में। सवाल वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या। जवाब अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शय्या। तुर्की व तुर्की जवाब बोलते हैं इसको। इंसान ये बोलता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है। अल्लाह फरमाता है क्या इंसान को यह याद नहीं जब वो कुछ नहीं था तो हमने उसे कुछ बना दिया। नथिंग था समथिंग बना दिया। अब नथिंग के बाद दोबारा समथिंग नहीं कर सकते। ये कौन सा इस्तेमाल है। अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्ल वलम यकु शय्या। कुछ भी नहीं था, नथिंग था वो। नथिंग से हमने उसको समथिंग कर दिया। अब जब नथिंग होगा दोबारा समथिंग नहीं कर सकते। कितना प्यारा जवाब, कितना शॉर्ट, कितना मुख्तसर। शॉर्ट बट स्वीट। उसके बाद सूरह तौहा शुरू होती है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान हकीम के बारे में बड़ी प्यारी बात फरमाई। तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। हमने कुरान को आपके ऊपर इसलिए नाजिल नहीं फरमाया कि आप मशक्कत में पड़ जाएं या आप बदबख्त हो जाएं। दोनों तर्जमा, यानी बाज लोग कहते एक टांग के ऊपर खड़े होकर के पूरा कुरान पढ़ा, क्यों मशक्कत में पढ़ो। कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ कि आप मशक्कत में पड़ जाएं। जब तक जी लगे तब तक कुरान पढ़ो। एक टांग पर खड़े होकर के पूरा कुरान पढ़ना किसने कहा है। कुरान मशक्कत में डालने के लिए नहीं आया। और कुरान इतना न पढ़ा जाए कि लोग चक्कर खा करके गश खाकर मस्जिद में गिर पड़ाए। कुरान मशक्कत में डालने के लिए नहीं आया। और दूसरे तशका का मतलब आप बदबख्त न हो जाएं। कुरान इसलिए नहीं आया है कि बदबख्ती में मुब्तला कर दे, यानी कुरान इसलिए आया ताकि तुम नेक बख्त रहो, सरबलंद रहो। कुरान इसलिए नहीं दिया गया है कि तुम सर झुकाकर दुनिया में रहो, सर उठा करके रहो। कुरान इसलिए आया है, बुलंद जगह से आया है, और तुमने बुलंद चीज को पकड़ रखा है, लिहाजा बुलंद होकर के जियो, इसलिए आया कुरान। उसके बाद फरमाया गया फ़इन्नहु यालमु सिर्र व अख़फ़ा। अल्लाह तबारक तआला की एक सिफत बयान की गई, वह सिर्र को भी जानता है और अख़फ़ा को भी जानता है। यह सिर्र क्या होता है, अख़फ़ा क्या होता है, यह फ्राइड का नजरिया लाशऊर जिन्होंने पढ़ा है, यानी लॉ ऑफ यानी थ्योरी ऑफ सबकॉन्शियस, यानी नजरिया लाशऊर जिन्होंने फ्राइड का, मैंने फ्राइड की कई किताबें पढ़ी हैं, बाकायदा सैयद कुतुब शहीद के भाई मोहम्मद कुतुब, उन्होंने जामिअतुल अज़हर मिस्र से पीएचडी की है साइकोलॉजी जैसे नफ्सियात जैसे मौजू, टफ मौजू के ऊपर। उनकी मैंने कई किताबें, दरासात फिर नफ्सिल इंसानिया, फिर नफ्स वल मुस्तमे, अल इंसान बैन अलमादियत वल इस्लाम, बहुत सारी किताबें, अत-ततवुर वस्तिबात फी हयातिल बशरिया, बहुत सारी किताबें मैंने नफ्सियात के ऊपर पढ़ी हैं। तो फ्राइड का एक नजरिया, नजरिया लाशऊर। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है जो चीज शऊर की सतह पर रहती है तुम्हारे, उसको भी मैं जानता हूं, वो सिर्र है, और अखफा जो तुम्हारे लाशऊर में चली जाती है, हमारी निगाह उसके ऊपर भी है। अल्लाह अकबर, क्या निगाह है, क्या नजर है कि आदमी का कोई ख्याल अगर शऊर की सतह पर है तब भी अल्लाह को मालूम है कि शऊर की सतह पर ख्याल कौन सा है, और अगर वो ख्याल शऊर की सतह से निकल करके लाशऊर की तह में चला जाए, लाशऊर के नेहा खाने में चला जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है कि वो ख्याल शऊर की सतह से निकल कर लाशऊर की नेहा खाने में चला गया, कहां है उसके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला इल्म रखता है। उसके बाद कहा और रहमान वाला अर्श इस्तवा, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, यानी वो बैठा है, खड़ा है, लेटा है, कैसा है। इस्तिवा की कोई तफसीर नहीं की जा सकती, कोई तावील नहीं की जा सकती। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि किसी ने पूछा कि अल्लाह अर्श पर कैसे मुस्तवी है, कहा कि अल इस्तिवा मालूम, इस्तिवा तो मालूम है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया रहमान वाला अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन वल कैफियत मजहूल, कैफियत बैठा है, लेटा है, खड़ा है, क्या कैफियत मजहूल है। वह सवाल वानो बिदात, सवाल इसके बारे में बिदात है, हमें यह बतलाया गया है। अहले हदीस का अकीदा यह है कि अल्लाह की सिफात को बिला तावील, बिला तातील, बिला तशबीह, बिला तजसीम, बिला तशबीह, बिला तहरीफ तस्लीम किया जा सकता। मुस्तवी है, बस कैफियत मजहूल है, लेकिन इस्तवा मालूम है, कहां है वो, ऊपर है। बस इसलिए कि आदमी फितरी तौर पर मुसीबत के वक्त अपने हाथ दुआ के लिए ऊपर ही उठाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लौंडी लाई गई आजाद करने के लिए, आपने पूछा कि अल्लाह कहां है, उसने ऊपर उठाया, कहा मैं कौन हूं, कहा अल्लाह के रसूल, कहा आजाद कर दो, एतिक़हा फ़इन्ना मोमिना, इसको आजाद कर दो, ये मोमिना। उसके बाद सामेरी का जिक्र हो रहा है, जानते हैं सामेरी कौन है? ये बहरे मुर्रा को, बिटर लेक को, जिसमें फिरौन डूबा है, इसी को पार करके बनी इसराइल के साथ हजरत मूसा अलैहि सलाम सहराए शोर, सहराए सैना के अंदर दाखिल हुए, इसी बिटर लेक को पार करके। साथ में एक मुनाफिक भी था, बहुत बड़ा बदमाश था, क्या नाम था उसका, सामेरी। हजरत मूसा अलैहि सलाम जब तूर पहाड़ पर तौरात लाने के लिए गए, 40 दिन लग गए, पहले 30 था, अल्लाह ताला ने फिर अशर के जरिए उसका इत्माम किया, वातममना बिअशर, 10 के जरिए उसका इत्माम फरमाया, 40 दिन वहां रहे, तो तौरात की तख्तियां दी गई। जाने से पहले उन्होंने कौम की बागडोर अपने बड़े भाई हजरत हारून को सौंप दी थी, देखना ये कौम बहुत बदमाश है, हर घड़ी डंडा लिए इनके सर पे सवार रहना। मूसा अलैहि सलाम तो चले गए, लेकिन हजरत हारून उतने सख्त नहीं थे जैसे मूसा थे। मौका पा करके सामरी ने पर पुर्जे निकालने शुरू किए, औरतों से इसने अपना काम शुरू किया। औरतें नर्म दिल होती हैं और बहुत जल्दी गुमराह हो जाती हैं, इस बाबा के चक्कर में आ गई। इसने हीले, दज्ल, फरेब के जरिए बनी इसराइल की औरतों के बहुत सारे जेवरात जमा किए और गला करके बछड़ा तैयार किया। इस तरह तैयार किया कि जब हवा उसके मुंह में से जाती, पेट में यूं घूमती और जब निकलती तो आवाज होती। ये बछड़ा बनाने के बाद लोगों से बोलने लगा, जानते हो कौन है ये, तुमको बताया नहीं गया, हादा इलाहुकुम इलाहु मूसा, यही तुम्हारा माबूद है, मूसा का भी माबूद यही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या बोला, हादा इलाहुकुम इलाहु मूसा, ये तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी यही माबूद है। हजरत हारून ने देखा तो समझाया कि ये क्या कर रहा है, बनी इसराइल को भी समझाया, कहा फुतिन तुम भी, ये फितना है, इसे दूर रहो। और फिर उन्होंने कहा कि फत्तबिऊनी, मेरी तबा करो, वातियू अमरी, मेरे हुक्म की इताअत करो, बहुत समझाया उन्होंने, लेकिन कौम ने कह दिया कालू लन नब्रह अलैहि हत्ता यरजिअ इलैना मूसा, हम इसी के ऊपर डटे रहेंगे ताकि मूसा लौट आए, इनकी जान का खतरा पैदा हो गया, लिहाजा ये खामोश हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि बाज लोगों ने यह कहा कि इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए शिर्क को गवारा किया जा सकता है, कतान नहीं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपनी सी कर चुके, उसके बाद खामोश हुए। इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए शिर्क को गवारा करना ये हजरत हारून के इस वाकये से नहीं निकाला जा सकता। सारी कौम गौशाला परस्ती में मुब्तला हो गई, अल्लाह वाहिद को छोड़ करके उस गौशाले को पूजने लगे जो बछड़ा बनाया गया था सोने का। हजरत मूसा ने देखा कि इनको तो तौहीद के ऊपर छोड़ करके गया था, सारे के सारे बुत परस्त हो गए। फौरन आगे बढ़ करके हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ ली और मारने लगे, कहने लगे काल अपने उम्मलाता खुद बिलहियती वाला बेरासी, ए मेरी मां के बेटे। हालांकि ये बोल सकते थे भैया मुझे मत मारो, भाई भाई मुझे मत मारो, लेकिन भाई यहां उन्होंने नहीं कहा बल्कि मेरी मां के बेटे। यानी अगर ऐसे मौके के ऊपर मां का हवाला दे दिया जाए हैं तो आदमी सोचने लगता है यार मां दरमियान में आ गई है, कुछ सोचना चाहिए। बड़ी मुकद्दस हस्ती होती है मां, बहुत बड़ी नेमत है, एक बार मिलती है। बाप भी एक बार मिलता है, माँ एक बार मिलती है, हाथ से निकल गई माँ नहीं मिलती। कदर कर लो जिनके पास माएँ हैं। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत, मैं इस सिलसिले में बहुत मशहूर हूँ, मैं और मेरा भाई। हाँ, माँ बाप दोनों की इताअत में हम दो भाई बहुत मशहूर हैं सिलसिले में। एक बार मिलती है ये हस्ती, माँ भी और बाप भी। माँ का हवाला आ गया, छोड़ दिया उन्होंने। कहा ये क्या हो गया? कहा कि ये सारा किया धरा उस बदमाश सामिरी का है। हजरत तशरीफ लाए, कहा इधर आ। काला फमा खतबुका या सामिरी, ऐ सामिरी ये सब क्या मामला है? तो बड़ी ढिठाई और बड़ी बेशर्मी और बड़ी बेहयाई से कहने लगा। काला बसुरतु बिमा लम यबसुरु बि फकबस्तु कब्जतम मिन असरी रसूली फनबस्तुहा वकदालिक सव्वलत लि नफ्सी। कहा के बेकार से बेगार भली, क्या बेकार से बेगार भली, खाली जहन शैतान का घर, मुझे ऐसी बात सूझी जो इससे पहले किसी को नहीं सूझी थी। काला बसुरतु बिमा लम यबसुरु बि, मुझे ऐसी बात सूझी जो और लोगों को नहीं सूझी। कहा कि कौन सी बात सूझी? कहा कि अब जब जा रहे थे ना तो लोग देख रहे थे आप जा रहे हैं, तो आप जब आगे निकल गए तो मैंने आपके नक्शे कदम पर से धूल उठा ली थी और वो धूल लोगों के सामने मैंने महफूज कर ली थी। और जब मैंने बछड़ा बनाया तो ये धूल जो है उसी बछड़े में डाल दी। और कहने लगा मैं कि मूसा के नक्शे कदम की जो धूल है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसकी वजह से ये बछड़ा बहुत मुबारक हो गया है, माबूद बन गया है। और ये बात मेरे नफ्स ने मेरे लिए गढ़ी थी। वह कदालिका सव्वलत ली नफ्सी। इससे यह पता चला कि आजकल जो छिल्ले बनाए जाते हैं, क्या होते वो छिल्ले? छिल्लों का मतलब क्या होता मालूम है? वो कब्र नहीं होती बल्कि वो कहीं किसी बाबा के मदार से मिट्टी ले आते हैं, जैसे इराक से ले आए शेख अब्दुल कादिर के मदार से या कहीं और जगह से, खाली मिट्टी लाते हैं और मिट्टी लाने के बाद उसको कब्र की तरह खोद करके मिट्टी को दफन करके कब्र बना देते हैं और पूजा शुरू हो जाती है। यह है छल्ला। कब्र में कोई आदमी नहीं होता, कोई मुर्दा नहीं होता, बल्कि वो किसी बाबा के कब्र की मिट्टी होती है। वो मिट्टी कब्र बना करके उसमें डाल करके कब्र बना दी जाती है और उस पर इमारत तामीर कर दी जाती है और नजरोनिया शुरू हो जाती है। दर हकीकत ये तरीका सामिरी ने ईजाद किया था, लिहाजा छिल्ले बनाने वाले जो लोग हैं दर हकीकत वो सामिरी की मुत्तबईन है और सामिरी के नक्शे कदम पर चल रहे। हजरत ने उसे बद्दुआ दी। हजरत मूसा ने कहा कि तूने बड़ा खराब काम किया है, अब तू जिंदगी भर यह कहता फिरेगा लामे सांस मुझे छूना नहीं। उसको ऐसी बीमारी हो गई थी कि कोई अगर उसको छू लेता था तो सख्त बुखार में मुब्तला हो जाता था। लिहाजा जब कोई आदमी उसको देखता, करीब आता, छूने के लिए कहता अरे मुझे मत, डोंट टच डोंट टच मी बोलता था, मुझे छूना नहीं, लामे सांस ना, बुखार में मुब्तला हो जाता। जिंदगी भर इसी तरह इस बीमारी में मुब्तला होकर के तड़प तड़प करके मरा, लामे सांस कहते हुए, मुझे छूना नहीं, मुझे छूना नहीं। और इसके सामने उस बुत को, ये कहता था तेरा सबका माबूद है और ये मूसा का माबूद है, इसको मैं अभी आग लगा करके इसको दरिया में बहा देता हूं, इसको बिल्कुल डायनामाइट करके इसको मैं समंदर के अंदर फेंकवा देता हूं। फेंकवा दिया। उसके बाद ये बताया गया लअल्लहुम यत्तकून अव युहदिसु लहुम ज़िक्रा। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है नसीहत के लिए दो ही रास्ते हैं, एक तो आदमी के जज्बात और दूसरे आदमी का ताक़ुल। जज्बा और ताक़ुल ये हिदायत के दो वास्ते हैं। अगर इन दो वास्तों का अप्लाई किया गया हिदायत मिल जाती, जज्बात और ताक़ुल। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र 6 मक्की सूरतों में है और 1 मदनी सूरत में 7 मरतबा आया है पूरे कुरान में। हज़रत आदम का जिक्र 6 मरतबा मक्की सूरत में और 1 जगह मदनी सूरत में। जन्नत में डाल दिए गए अपनी बीवी हव्वा के साथ। शैतान आया, बाकी खूब खा रहे हो, मजे कर रहे हो। अरे हाँ है तो, कहा कि वो जो दरख्त दिख रहा है उसका क्या मामला? ए नाम मत लेना उसका। अल्लाह ने फरमाया वला तकरबा हादी शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। बेवकूफ हो तुम, मैं उस दरख्त की हकीकत से वाकिफ हूं। कहा कि क्या? काला या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला। ऐ आदम मैं तुझे ऐसा दरख्त न बता दूं कि उसका फल अगर आदमी खा ले तो हमेशा जन्नत में रहे, जन्नत से कभी निकाला ना जाए और ऐसी बादशाहत मिल जाए जो कभी पुरानी ना। उल्टी बात कह रहे, देखो इसको कहते हैं आंखों में धूल झोंकना, यानी दरख्त का फल खा ले तो जन्नत से निकाल दिया जाए। ये क्या पट्टी पढ़ा रहा है? अरे वो तो शजरतुल खुल्द है, खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। इसको कहते हैं आंखों में धूल झोंकना। शैतान का काम यही, आंखों में धूल झोंकना। एक बदीही बात को, देखी भाली बात को गलत समझ लेना और कंफ्यूजन में मुब्तला हो जाना। खिला दिया बहका करके, दाखिले के वक्त जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने खबरदार कर दिया था दरख्त के करीब मत जाना। आगे आयत हैं इससे। अच्छा, जैसे ही इन्होंने दरख्त के फल खाए लिबास बहिश्ती इनके बदन से उतर गया, जन्नती दरख्तों के पत्ते अपने बदन के ऊपर लपेटने लगे। क्या नुक्ता मिला? बाज मजाहिब के लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं के नंगा रहना ये विलायत की मेराज है। आदमी पहुंच गया, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। आदमी जब एकदम पहुंच जाता है, पहुंचा हुआ हो जाता है, एकदम खुदा रसीदा हो जाता है तो नंगा हो जाता है। यहां बताया गया कि लिबास बहिश्ती जब हजरत हव्वा और आदम के बदन से उतर गया तो ये दरख्त के पत्ते लपेटने लगे। इसका मतलब इंसान की फितरत सतर को छुपाना है। इंसानियत ये नहीं है कि आदमी नंगा हो जाए। जो मजहब इस तरीके की तालीम दे वो मजहब सही नहीं है, वो मजहब खिलाफ फितरत है। लिबास उतरने के बाद पत्तों से बदन को ढांकना इस बात की दलील है कि इंसान की फितरत में सतर पोशी है। जो मजहब इसके खिलाफ तालीम दे वो मजहब खिलाफ फितरत है। उसके बाद ये कहा गया इन्ना लका अल्ला तजुअ फीहा वला तारा व अन्नका ला तज़मऊ फीहा वला तज़हा, कि न तुझे भूख लगेगी, न तुझे प्यास लगेगी, न तुझे गर्मी लगेगी। यानी जन्नत के अंदर न तो प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, न गर्मी लगेगी। सवाल यह है कि जब भूख ही नहीं लगेगी, प्यास ही नहीं लगेगी और गर्मी ही नहीं लगेगी तो मकान की क्या जरूरत, खाने की क्या जरूरत? और जन्नत में तरह तरह के फल, शराब की नहरें, दूध की नहरें, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जवाब उसका यह है कि ऐसी भूख नहीं कि आदमी परेशान हो जाए, भूख लगते ही खाना आ जाएगा। ऐसी भूख नहीं जिसकी वजह से आदमी परेशान हो जाए, भूख से बेताब हो जाए, यह मतलब है वहां भूख का। ऐसी प्यास नहीं कि आदमी जो प्यास से तड़पने लगे, ऐसी गर्मी नहीं कि आदमी गर्मी से परेशान हो जाए। न भूख लगेगी फौरन खाना हाजिर, प्यास लगेगी फौरन पानी हाजिर, ये मतलब है। अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ खिताब पहले आदम और हव्वा दोनों से किया, उसके बाद जब खाने पीने और मकान की बारी आई तो सिर्फ आदम को खिताब किया गया। इन्ना लका अल्लाह तजुआ फिया वाला तारा वान्नका ला तज़मू फिया वाला तज़ा, इसका मतलब ये कि मर्द के जिम्मे है कि वो बीवी को खाना दे, मर्द के जिम्मे है कि बीवी को लिबास दे, मर्द के जिम्मे है कि बीवी को सुकना दे, मकान दे। ये शौहर की जिम्मेदारी। ये था 16वें पारे का खुलासा। अल्लाह तबारक तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।